हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू विल बी फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। नाउ लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। दिस वीडियो इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर सॉइल। नाउ लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड टू डिस्कस अबाउट सॉइल कंजर्वेशन। सबसे पहले हम सॉइल कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। लास्ट टू वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉइल क्या होती है, सॉइल प्रोफाइल क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने सॉइल के बारे में डिस्कस कर लिया था। अभी हमें पढ़ना है कि सॉइल कंजर्वेशन क्या है, मींस हम सॉइल को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। देखिए, सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हम सभी जानते हैं, ये बात वेल नोन है कि जो सॉइल है हमारी, वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, यानी जो कि हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं, अगर सॉइल नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारा फूड नहीं होगा, और जब फूड ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे, है ना। तो सॉइल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं, थस इट नीड्स टू बी कंजर्व्ड। तो क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें कंजर्व करना चाहिए, कंजर्व करके रखना पड़ेगा। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रिवेंशन अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी? सॉइल कंजर्वेशन की अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेशन देनी हो तो हम लोग बोलेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी जो सॉइल है हमारी उसको हमें प्रोटेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, इरोजन से बचाएंगे। इरोजन मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, डिस्कस किया था आपसे सॉइल इरोजन क्या होता है। देन तो हम क्या करें, उसे उसका प्रोटेक्शन करें और उसे इरोजन से बचाएं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉइल कंजर्वेशन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट ये है, देयर आर वेरियस वेज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रिवेंशन अगेंस्ट सॉइल इरोजन, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। बोल रहा है यहाँ पर कि सॉइल प्रोटेक्शन के और प्रिजर्वेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो जिनमें से कुछ आपको नीचे दिए हुए हैं। नंबर पहला आपका है, मोस्ट ट्रीज शुड बी ग्रोन एट द स्लोप्स ऑफ माउंटेन। सबसे पहला तरीका क्या है जिससे हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं या सॉइल इरोजन से बच सकते हैं? तो पहला जो हमारा वे है वो है, मोर ट्रीज शुड बी ग्रोन, मींस हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए एट द स्लोप ऑफ माउंटेन्स, मींस जो हमारे माउंटेन्स हैं उनके ढालों पर, ठीक है। आपने देखा होगा जो माउंटेन, जो पर्वत होते हैं कैसे ढालदार होते हैं, तो उस पर हमें क्या करना चाहिए, ट्रीज़ को ग्रोन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे हमारा सॉइल जो है वो क्या नहीं होगा, इरोज नहीं होगा। नेक्स्ट आपका, टेरेस फार्मिंग शुड बी डन इन अ हिली एरियाज। अगर हमारा एरिया कैसा है, हिली है, यानी पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, टेरेस फार्मिंग करेंगे। अब टेरेस फार्मिंग क्या होता है, देखिए टेरेस फार्मिंग को हम लोग कहते हैं सीढ़ीदार खेत। मींस क्या है, जो कोई अगर सीढ़ीदार जगह होगी तो वहाँ पर हम प्लांटिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है, सीढ़ीदार खेत हैं, इसमें क्या किया गया है आपको प्लांट, इससे क्या होता है, इससे जो हमारा सॉइल है वो कंजर्व रहता है, ठीक है, और सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो सेकंड मेथड हमारा ये हो गया। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं टेरेस फार्मिंग में, इन दिस मेथड ऑफ फार्मिंग द स्लोप इज कट इनटू स्टेप्स और टेरेस सो दैट द सॉइल इरोड्स्ड फ्रॉम वन स्टेप गेट्स डिस्पोज ऑन द नेक्स्ट। इसका मीन्स क्या है, बोल रहा है टेरेस फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा वो है हिल है, उसको क्या करते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप कट कर लेते हैं। और कट करने से क्या होता है, कट करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी एक स्टेप में सॉइल इरोजन हो रहा है तो वहीं पर एंड हो जाएगा, ठीक है, दूसरे स्टेप पर नहीं जा पाएगा। इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं हम इससे। तो टेरेस फार्मिंग आपने समझ लिया है, प्लांटिंग समझ लिया है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, डैम बनाते हैं। डैम से क्या होता है, डैम से भी हमारे सॉइल इरोजन को क्या होती है, सॉइल इरोजन कम होता है डैम से। नेक्स्ट आपका है, प्लांटिंग ट्रीज इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अगर हम बात करते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन का सबसे चीपेस्ट वे, सबसे सस्ता साधन क्या है, तो वो है प्लांटिंग ट्रीज। हम पेड़ों को लगाकर बहुत ही आसानी से सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बिल्डिंग डैम्स अलॉन्ग द रिवर्स बैंक कंट्रोल द स्पीड एंड अमाउंट ऑफ द फ्लोइंग वाटर। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे, डैम बनाएंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा वाटर का फ्लो है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो अमाउंट ऑफ वो फ्लोइंग वाटर है उसे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जब सॉइल कंजर्वेशन पढ़ा था तो हम लोगों का एक रीज़न ये भी था, जो फ्लोइंग ऑफ वाटर है वो भी काफ़ी हद तक सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए अगर डैम बन जाता है तो डैम बनने से क्या होगा, उस फ्लोइंग जो होगा अमाउंट का
अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है, वाटर फ्लोइंग का अमाउंट कम होगा, यानी कि वाटर फ्लोइंग कंट्रोल हो जाएगी और उससे हमारा इरोजन भी कंट्रोल होगा। ओके, यहाँ पर आपकी कुछ एक्टिविटी दी हुई है, देख लें इसे क्या है। सम ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनकरेज सॉइल इरोजन एंड अदर्स इनकरेज सॉइल कंजर्वेशन। कलर द बॉक्स फॉर एसी एंड ग्रीन फॉर एसी, मींस क्या है, अगर आप सॉइल इरोजन, जिसमें सॉइल इरोजन होगा उसमें आप एसी लिखेंगे, और जिसकी वजह से सॉइल कंजर्वेशन होगा उसमें आप एसी लिखेंगे। ओके, तो आपको कलर करना है बॉक्स को ब्राउन से और फिर ग्रीन से, ठीक है। जो क्या हो, जो सॉइल इरोजन को बताएगा उसे आप ब्राउन कलर से करें, और जो सॉइल कंजर्वेशन को बताएगा उसे आप ग्रीन कलर से करें। सबसे पहला आपका जो है वो है प्लांटिंग मोर ट्रीज। अब आप बताइए, जो प्लांटिंग है यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, तो ये किस में आएगा, सॉइल कंजर्वेशन में आएगा या फिर सॉइल इरोजन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो बता दे रही हूँ, बाकी आपको ही करना है। जैसे मैंने लिया है प्लांटिंग मोर ट्रीज, तो ट्रीज़ को लगाना तो अच्छी बात है ना, तो ये सॉइल इरोजन का पार्ट नहीं है बल्कि सॉइल कंजर्वेशन का पार्ट है। तो सॉइल कंजर्वेशन में हमें कैसा कलर फिल करना है, सॉइल कंजर्वेशन में हमें ग्रीन कलर फिल करना है ना। तो आप इसको पहले वाले बॉक्स को ग्रीन कलर कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये सॉइल कंजर्वेशन में आ रहा है, नॉट सॉइल इरोजन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, यानी कि जो हमारे कैटल है उनके द्वारा जो भी चीज़ें हैं वो चर ली जाएंगी, यानी कि खा ली जाएंगी एनिमल्स के थ्रू, तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा या फिर कंजर्वेशन होगा, इसमें सॉइल इरोजन होगा, है ना, क्योंकि जब ओवर ग्रेजिंग हो जाती है तो जो अपर लेयर होती है सॉइल की वो भी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे क्या होगा, हमारा सॉइल इरोजन होगा, है ना। तो अभी सॉइल इरोजन का एग्जांपल है, तो आप इसे क्या कर देंगे, आप इसे ब्राउन कलर से फिल कर देंगे इस बॉक्स को, ठीक है। ऐसे ही आपके पास 10 दिए हुए हैं, आप इनको सबको देखिए, और इसमें किसी में आपको ग्रीन फिल करना होगा और किसी में ब्राउन फिल करना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं माइंड मैप। यहाँ पर हमारे जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उसकी पूरी समरी दी हुई है। तो सॉइल देखते हैं, पहले हम लोगों ने सॉइल के टाइप्स देखते हैं, उसके बाद उसकी प्रोफाइल देखेंगे, इरोजन देखेंगे, सारी चीज़ें। देखिए पहले बात करते हैं हम लोग सॉइल के टाइप पर। तो सॉइल कितने टाइप की होंगी, 4 टाइप की होंगी, तीन टाइप की होंगी। पहला सैंडी सॉइल, दूसरा लोमी सॉइल, एंड थर्ड है आपका क्ले, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सॉइल प्रोफाइल की। प्रोफाइल का मतलब मैंने बताया था लेयर होता है, यानी कि यहाँ पर हमें सॉइल की लेयर्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। कितनी लेयर होती हैं सॉइल की, 4। कौन कौन सी सॉइल लेयर को हम लोग होरिजोन कहते हैं, ये भी बताना है आपको, ठीक है। सॉइल लेयर को होरिजोन कहते हैं, तो कितने होरिजोन्स हैं, 4। कौन कौन सा, होरिजोन ओ, होरिजोन ए, होरिजोन बी एंड होरिजोन सी, इज इट। नेक्स्ट है आपका सॉइल इरोजन। इरोजन के बारे में बता चुकी हूँ, जो हमारी लैंड है यानी उसकी अपर लेयर का हट जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। अब ये दो तरह से हो सकता है, पहला नेचुरल एजेंट्स के थ्रू और दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू। देन नेचुरल एजेंट्स क्या क्या हैं, वाटर मैंने अभी बताया है, अगर वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा तो जो लैंड की अपर सरफेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो नेचुरल एजेंट्स वाटर भी है और विंड भी है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लोइंग वाटर होगा तो भी हमारा क्या होगा, इरोजन होगा, और बहुत ज़्यादा ब्लोइंग विंड होगी तो भी हमारा इरोजन होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। ये तो मैंने अभी नेचुरल बता दिया, ह्यूमन में क्या क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन मैंने कल डिस्कस किया था, जंगलों को और पेड़ पौधों को काटना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम पेड़ों को हटा देते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहाँ पर हम क्या पक्की ज़मीन बना देते हैं या फिर हम वहाँ बिल्डिंग्स बना देते हैं, तो इससे क्या होगा, क्योंकि हमने प्लांट तो कट कर दिए हैं, तो प्लांट कट करने से हमारा सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, यानी कि अगर हम कैटल को ओवर ग्रेज कराते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, तो उस पर्टिकुलर जगह की जो हमारी सॉइल है वो इरोज हो जाएगी। ओके, देन आज का चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।